हेलो गाइस, वेलकम है आपका जूहीज किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप आमले की लौंजी। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है आधा किलो वो लिया है आंवला, मतलब 500 ग्राम। अभी से हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके दिखा रहे हैं आपको, इसके बीज अलग करते जाएंगे। ये सब हमने यहाँ पे कर लिया है इसको टुकड़े में। अब इसको ग्राइंडर जार में लेके इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लेंगे इसे अच्छे से। इसको बहुत ज़्यादा खड़ा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा चंकी टाइप ही रखना है जिससे हमें खाने में अच्छा लगे। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है हमने, मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब इसमें हम यहाँ पे 1/4 चम्मच मेथी डाल देंगे, दाना 1 सौंफ डाल देंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे। इसको अच्छे से तड़कने देंगे। अब इसमें जो मैंने ग्राइंड किया है आंवले को उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से सिम आंच पे इसको भूनते जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको रखेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे 1 चुटकी, 2 चुटकी बराबर, और 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्ची डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, लेकिन नमक इसमें कम ही रखिएगा। और ये खट्टी मीठी लौंजी बनके तैयार होती है, बहुत टेस्टी लगती है। और इसके फ़ायदे हम आपको बता रहे हैं कि इसके फ़ायदे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बाल के लिए, आँख के लिए, आपके नेल्स के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। डेली आप अगर इसको खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बने लगेगा आपको और बहुत फ़ायदा करता है। अच्छे से यहाँ पे भून लिया है। यहाँ पे हमने 250 ग्राम गुड़ लिया है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अभी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अब इसको भूनते रहेंगे, फ्लेम को एकदम स्लो ही रखेंगे। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया, 2 चम्मच वाइट तिल डाल दिया है, सेसमी सीड, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप डेली 1 चम्मच अगर वैसे भी खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा बनेगा, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे अच्छे से भून दिया है हमने। देखिए ऑयल का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है इसमें, ये आप 1 महीना रख के खा सकते हैं आराम से। अब ये एकदम रेडी है। अब मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।